सपा नेता आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की विधायकी चली गई है। उनकी स्वार टांडा सीट पर फिर चुनाव होने जा रहे हैं। विधानसभा सचिवालय की तरफ से अधिसूचना जारी कर बताया गया कि स्वार टांडा सीट रिक्त कर दी गई है। अब चुनाव आयोग इस सीट पर दोबारा चुनाव कराएगा। इससे पहले भी अब्दुल्ला आजम की विधायकी छिन चुकी है। फर्जी प्रमाण पत्र मामले में उन्हें 2 साल की सजा हुई थी, उसी वजह से उनकी विधायकी रद्द करनी पड़ी थी। कानपुर हादसे पर सियासत बढ़ती जा रही है। बुधवार को लखनऊ में राजभवन रोड पर कांग्रेस और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई है। कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन पर प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, पुलिस ने बैरिकेटिंग करके उन्हें रोक दिया। इसके बाद नारेबाजी करते हुए पुलिस कार्यकर्ता पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। आजमगढ़ पहुंचे भाजपा सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। निरहुआ ने कहा, यदुकुल में अगर कृष्ण पैदा हुए तो उसी वंश में कंस भी पैदा हुए थे। भैया कि आप सब लोग जानते हैं कि हर युग में अगर राम थे तो रावण भी था, अगर कृष्ण थे तो कंस भी था। यदुकुल में अगर कृष्ण पैदा हुए तो उसी वंश में कंस भी तो पैदा हुआ। तो कहने का अर्थ मेरा ये है कि अगर इस युग में भी, कलयुग में भी, अगर भगवान को मानने वाले लोग हैं, भगवान की पूजा करने वाले लोग हैं, धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो अधर्मी भी हैं। तो जो अधर्मी होगा वो तो ऐसी ही बात करेगा, वो हमारे धर्म के खिलाफ बात करेगा, हमारे राम के खिलाफ बात करेगा, हमारे रामचरितमानस के खिलाफ बात करेगा। पर यह है कि जिस तरह से भगवान ने उन अधर्मियों का नाश किया था, मैं ये समझता हूँ कि जो आज का समय है, आज वर्तमान काल में हमारे जनता के दिलों में वो भगवान राम, वो भगवान कृष्ण जगेंगे और इन अधर्मियों को सजा देंगे। आने वाले समय में आप लोग देखिएगा। जिला गौतम बुद्ध नगर में लगातार बढ़ रहे साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने बड़ी पहल की है। इसके चलते नोएडा के सेक्टर 108 स्थित पुलिस कमिश्नर दफ्तर में साइबर हेल्प डेस्क का पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने आज उद्घाटन किया। गौतम बुद्ध नगर जनपद में ऑफलाइन साइबर शिकायतों की संख्याओं का एक बहुत लंबा सफर रहा है और बहुत अधिक मात्रा में, बहुत अधिक नंबर में ये शिकायतें हमारे पास रोज आ रही हैं। आज एक सी उद्देश्य से इन शिकायतों के टाइम बाउंड निस्तारण के लिए एक हेल्पलाइन की शुरुआत जनपद में की जा रही है और इस टास्क फोर्स को गठित करके 24 घंटे इस हेल्पलाइन की मॉनिटरिंग सुनिश्चित कराई जाएगी। 4846100 इस नंबर पर आपके साथ अगर कहीं भी किसी भी तरह का फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हुआ हो, नॉन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड हुआ हो या कंपनियों के मध्य ट्रांजैक्शन में कोई हेराफेरी हुई हो तो इस पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। भारत सरकार के द्वारा जारी की गई नेशनल हेल्पलाइन 1930 के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए भी इस हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है और उनसे संपर्क करते हुए इन साइबर फ्रॉड्स की शिकायतों का निस्तारण कराना सुनिश्चित कराया जा रहा है। थानों पर स्थापित साइबर हेल्प डेस्क के संबंध में और जोन में स्थापित आईटी सेल के संबंध में इस किसी डिस्टिंक्ट और विस्तृत एसओपी ना होने के कारण वहां आ रही शिकायतों के निस्तारण में बहुत समय अनावश्यक रूप से व्यतीत हो रहा था और उसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए इस एसओपी का गठन करके इस हेल्पलाइन से, इस हेल्प डेस्क से उन सभी को स्ट्रीमलाइन करते हुए निस्तारण के लिए वन स्टॉप अरेंजमेंट इसको बनाया गया। आज प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने नोएडा के जिम्स अस्पताल में पहुंचकर अस्पताल का निरीक्षण किया। बृजेश पाठक ने बीएसएल लैब का शुभारंभ भी किया। डिप्टी सीएम के साथ जेवर विधायक धीरेंद्र ठाकुर और दादरी विधायक तेजपाल नागर भी मौजूद रहे। बता दें, जिम्स अस्पताल का आज 8वां स्थापना दिवस है।